हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल जरूर पूछा जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंदे, 3 हरी गेंदे, 2 नीली गेंदे तथा 4 पीली गेंदे हैं। यदि उनमें से 3 गेंदों को निकाला जाए तो एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। हमारे पास 5 लाल गेंदे हैं, 3 हरी गेंदे हैं, 2 नीली गेंदे हैं तथा 4 पीली गेंदे हैं। हमें 3 गेंदे निकालनी हैं और उनके एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 14। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 14। हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है 3। यहाँ पर लिखेंगे 14 C3 लिखेंगे। अब हमें एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। हमारे पास हरी गेंदें कितनी थी, हमारे पास हरी गेंदें थी 3। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हरी गेंदें थी 3, तो हरी हरी हमें निकालनी है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3C1। अब क्वेश्चन में हमारा दिया था और क्वेश्चन में हमारा दिया था हम एक मिनट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में हमारा दिया था वाह तो एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता। वाह, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया है वाह। वाह का मतलब हमने आपको बताया था कि वाह का मतलब होता है गुणा करना, जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया है और कोमा वह। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब होता है कि हमको गुणा करना है, और क्वेश्चन में दिया हो अथवा और दिया हो या, तो इसका मतलब होता है कि हमको प्लस करना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है वह, तो वह का मतलब हमको गुणा करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो हरी गेंदे हमारे पास हैं 3 में से एक गेंद हम निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 3C1 इंटू। पीली बॉल्स हमारे पास कितनी है, पीली बॉल्स हमारे पास हैं 4, तो 4 में से 2 हमको निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4C2 अपॉन। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी थी, टोटल बॉल्स हमारे पास थी 14, तो यहाँ लिखेंगे 14C3। टोटल बॉल्स हमें 3 निकालनी थी, एक हरी और 2 पीली निकालनी थी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3C का बन हुआ हमारा 3 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 2 बॉल निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 4C2 का मतलब हुआ 4 को 2 बार हमको खोलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। अब 14 को 3 टाइम्स हमको ओपन करना है, तो 14 को लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल, का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा आया। अब हमारा बचेगा यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। ये सब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा,
4 3 12 3 12 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 9 upon 182। ये हमारा आएगा आंसर, ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है, ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।